मैं आपको बताऊं कि देखिए, जैसी वो बातें कर रहे हैं और जैसा वो एक्टिंग फेसबुक पर कर रहे हैं, इससे साबित होता है कि वो भविष्य में हीरो बनने के सपने देख रहे हैं और एक्टिंग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। पहली बात अपने बारे में मैं बताऊं कि देखिए, 11 से लेकर 9 बजे तक मेरी ड्यूटी होती है, निकलते निकलते 9 से 10 साढ़े 10 भी बज जाते हैं यहाँ से। रोजमर्रा की तरह हम भी यहाँ पर काम कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि हमारे पास इतना, आज की होली के सीजन चल रहे थे, इतना फुर्सत नहीं है कि बाकी अफवाहों की तरफ या बाकी विवादों की तरफ हम ध्यान दें, हम अपने काम में लगे हुए हैं। तो ये सारा सर जो भी बातें कर रहे हैं और जो भी एक्टिंग कर रहे हैं, तो मुझे उनके वीडियो, मैंने भी उनका कई लाइव देखा है, तो वीडियो देखे मुझे ऐसा लग रहा है फ्रस्ट्रेशन में आके कि यहाँ कहीं से गाना नहीं आ रहा है, या कंपनियों जिस तरह से भाग भाग के कंपनियों के पास जा रहे हैं गाने के लिए भीख मांग रहे कि मुझसे गवाइए मुझसे गवाइए, आरसीएम को मुझे बर्बाद करना, ऐसे ऐसे जो हरकतें कर रहे थे, उससे मुझे लग रहा है कि इनको मेडिकल चेकअप की जरूरत है और जो पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं और मुझे पागलपन का कुछ आसार नजर आ रहा है। क्या प्रोपेगेंडा के हिसाब से चल रहा है क्या? इसको प्रोपेगेंडा ही कहेंगे, एक ढोंग कहेंगे, क्योंकि इनका एम है, क्योंकि इनकी जो मांगे थी जो कंपनी पूरी नहीं कर पा रही, कुछ ऐसे डिमांड थे कि आप जैसे कि पूरी नहीं कर पा रही, पूरी करेंगे लेकिन समय के साथ करते हैं, लेकिन वो जल्दबाजी में ऐसे चीज बौखलाए हुए हैं जिसकी वजह से ये एक बदला के तौर पर या उसको फ्रस्ट्रेशन कहे कि हाँ कि मैं, मुझे ये नहीं मिल रहा है तो मैं तुमको, मुझे मेरा इच्छा पूरा नहीं करोगे तो मैं तुमको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कंपनी बर्बाद कर दूंगा, ये कर दूंगा। मकसद ये है कि मुझे कंपनी को बर्बाद करना है। एक छोटा सा मैं बात बताना चाहूंगा कि आज के डेट में मुझे रिएक्शन उनका उल्टा ये मिल रहा है कि जैसे जैसे ये लोग लाइव आ रहे हैं तो कुछ गरीब सिंगर, देखिए यूपी बिहार झारखंड से लेकर बहुत जगह पर माता रानी कृपा से आरसीएम है, तो लोगों का कॉल आता है तो मुझे यही कहते हैं कि ये दो लोग जैसे हम नहीं हैं, सर हम पर कृपा कीजिए, हम गरीब हैं और पैसा लगाइए, हमें उठा दीजिए, जिंदगी भर हम आपकी गुलामी करेंगे या जिंदगी भर नाम लेंगे, ये सब करेंगे, तो ऐसे ऐसे सवाल आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है ऑडियंस को कि ये लोग तो कंपनी में आए थे और अंदर की बात क्या है ये तो पब्लिक जानती नहीं है, किस तरह का एग्रीमेंट हुआ, किस हाल में एग्रीमेंट हुआ, लेकिन उस टाइम मिठाई बांट रहे थे, बोझ हल्का हो गया था और आज ये बन गए हैं, इनके ऊपर इन्वेस्ट कर दिया गया है, इनको उस लायक बना दिया गया है कि लाइव में आके ये बोलें और पब्लिक को दिखाएं, तो ये तो बन गए, लेकिन उन बच्चों के भविष्य पर इन्होंने रोक लगा दिया। अब जैसी हरकतें ये लोग कर रहे हैं तो क्या आप ही मान चैनल वाले हैं, किसी को उठाते हैं या किसी पर मेहनत करते हैं, किसी को कर्जा ही दे रहे हैं, वो आपका पैसा नहीं लौटाएगा, तो क्या दोबारा देने की हिम्मत होगी आपकी? बिल्कुल, बात तो सही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि जान से मारने की धमकी, तो कहीं ना कहीं जो आरसीएम के मालिक है राकेश जी का भी नाम लिया जा रहा है, तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्या लगता है कि ये किसके बहकावे में कर रहे हैं वो? हाँ, बहकावे में कर रहे हैं इसलिए कि कुछ कंपनियां जो है इनको मोटी रकम का ऑफर दे रखी हैं, लालच दे रखी हैं, ठीक है, और दूसरी बात यह है कि मार्केट से आउट करने का उनका मकसद है, प्लानिंग है कि आरसीएम को मार्केट से खत्म किया जाए ताकि हम लोग उठें, तो ये एक मार्केटिंग फंडा भी कह सकते हैं इसको। और दूसरे नंबर पर अब जब तक हम, हमारा एग्रीमेंट है, बाउंडेशन है, सॉल्व हो भी जाता, लेकिन ऐसी हरकतों से तो फिर हमारा दिल भी नहीं कर रहा है कि हम लोग कुछ बातें करें, तो ये तो चलता रहेगा जब तक कोर्ट से फाइनल कोर्ट डिसीजन कोर्ट का नहीं आता है या फाइनल फैसला नहीं आता है। तो ये फ्रस्ट्रेशन में देखिए, मार्केट में अगर सिंगर का गाना नहीं जाता है, रिलीज नहीं होता, पब्लिक नहीं देखती है, तो जाहिर सी बात है उसका मार्केट खत्म हो रहा है, तो उससे जो बौखलाए हुए कि कहीं से मेरा गाना नहीं आ रहा है, और किसी भी हाल में ब्लैकमेल करके इनको डरा के धमका के इनको पब्लिक के बीच में गिरा के इनको साइड किया जाए और मेरा गाना बजे, तो इस तरह से ये पागलपन वाली हरकत करते हैं। तो ये जाहिर सी बात होती है, जितने भी आप इनके वीडियो लाइव देखिएगा, जिससे इनका रिएक्शन होता है, जो एक्टिंग होती है, उससे साबित होता है कि इनको मेडिकल चेकअप की जरूरत है। तो वो कहीं ना कहीं वो गाना गा के ना बस सिंगर बनने के बजाय वो एक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप यही कहना चाहते हैं? हाँ, देखिए मैं बात बताना चाहता हूँ कि कंपनी की दो फिल्में प्रोड्यूस करने की बात थी, तो एक फिल्म तो अवधेश प्रेमी मिठू मार्शल जी कर ही चुके हैं, तो अवधेश प्रेमी मिठू मार्शल जी को सेट पर जाने के बाद ही ये सब बखेड़ा खड़ा हुआ है कि उनको भेज दिया गया, हमें क्यों नहीं भेजा गया। तो हम तो मार्केटर हैं ना, मार्केट में देखते हैं कि हमें मालूम है कि किसको लॉन्च करने से मार्केट से हम रिकवरी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये तो मार्केटिंग फंडा है। तो मेरे हिसाब से, जहां तक मेरी सोच है, मार्केट में इनका स्कोप अभी नहीं है, जो चीज सोच रहे हैं कि हाँ मैं वो बन गया हूँ या ये बन गया, तो वो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग करते, एक स्क्रिप्ट था जिसमें धनंजय जी और ये भी लोग काम करते, लेकिन खैर जो भी है, विनाशकाल विपरीत बुद्धि वाला कहानी है, तो मैं कहूँगा हमारा काम है समझाना, रास्ता दिखाना, नहीं मानते तो क्या कर सकते हैं। आखिर वो शशिलाल यादव एग्रीमेंट कब किया है, मतलब आपके पास कब आए और किस तरीके से एग्रीमेंट हुआ, थोड़ा उनके जीवनी पर आप रोशनी डालने चाहेंगे, क्योंकि सब लोग जानना चाहते हैं कि हर आरसीएम ही गलत है, तो कहीं ना कहीं आरसीएम गलत नहीं होना चाहेगा। उस टाइम में डायरेक्शन किया करता था नजफगढ़ में, तो मुझे इनके दो गाने मिले थे शूट करने के लिए, तो
तो मैंने कहा कि सिंगर तो है नहीं, लिपसिंग कौन देगा? तो मुझे पता चला कि बाहर से मोतिहारी से कोई सिंगर है, गा के भेजाएं। और कम राकेश भैया भी बोले थे कि इनका गाना शूट कर दीजिएगा। तो मन नहीं भरे भतार से और 5 लाख दहेज प्रथा वाले गाने मैंने किए थे और मैंने खुद उसमें एक्ट भी किया था। तो उसके बाद इनको दिल्ली बुलाया गया। अंदर की बात क्या थी, किसने इनको आगे मतलब सिफारिश किया ये तो पता नहीं, लेकिन हमारे स्टाफ है गुड्डू, वो इनको लेकर आया। और बहुत प्रेशर, मतलब कि मिनते जो होती है कि हाँ भैया गरीब है जी, हाँ अच्छे हैं, इंसान है, ये सब करके बुलाया गया। आए और इनका वीडियो भी शूट होने लगा और करने लगे। तो जब कोर्ट में देखिए, एग्रीमेंट जो होता है बंद कमरे में नहीं होता है, ठीक है ना, वकील होते हैं, गवाह होते हैं, सबके सामने हुआ है। गवाह में मैंने भी साइन किया और मिठाई का डब्बा इन्होंने अपने हाथों से सबको बांटा खिलाया। और तब से इन्होंने मेरे से एक शब्द बोला था कि मैं सोच सोच के परेशान था कि मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, कैसे कमाऊंगा, क्या नहीं करूंगा, लेकिन मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ हो गया, मैं निश्चिंत हो गया हूँ और माता रानी की कृपा मुझ पर हो गई है। तो कहीं ना कहीं सर ये भी बात है ना कि कोई सिंगर पे कंपनी पैसा लगाती है और जब उससे कमाने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं नए सिंगरों के लिए तो ये घाटा की बात है, नए सिंगर नहीं आएंगे आपके पास। देखिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि किसी के बगैर किसी का काम रुकता नहीं है। जब हमारी कंपनी स्टैब्लिश नहीं थी तो भी कंपनी थी और चल रही थी, उस समय में भी बहुत सारे सिंगर हमारे पास थे। मिट्टू के बाद अवधेश आए हैं, अवधेश के बाद धनंजय आए, धनंजय जय सशीलाल जी आए हैं। तो इनके जाने के बाद भी तो ऐसे नहीं है कि इनका हमारा काम रुक जाएगा, नहीं होगा। आज के डेट होली के देखिए विवादों के बीच भी पर डे के 100-150 गाने आ रहे हैं और हम इतने व्यस्त हैं। चैनल पर आप देखिए कि आधे आधे घंटे पर रिलीज हो रहा है सॉन्ग होली का, तो काम तो रुकने वाला नहीं है। दूसरी बात कि इनकी वजह से ऐसी हरकतों से बाकी सिंगरों पर भविष्य पर अब कैसे हम सोचेंगे कि हाँ इसका वो किया जाए, कल को ये भी तो वैसा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं सर ये इन लोगों कहीं ना कहीं जो शशि लाल यादव इस तरीके से लाइव आ रहे हैं तो कंपनी पे छवि पे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो असर पड़ा है या नहीं पड़ा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। असर तो उनके लाइव आने से कोई असर तो नहीं पड़ा है कि आज भी आप भी आधे घंटे से तो देख रहे हैं कितने कॉल्स आ रहे हैं, कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपके सामने हैं। और जैसे कि तो इससे असर नहीं पड़ेगा, जिसको काम जहाँ करना है ना सर, जिसको अपना भविष्य दिखाई देता वहाँ जाएगा ही। मान के लिए मैं उदाहरण छोटे से देता हूँ कि एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर एक मान के चले कि गलती से डॉक्टर की वजह से किसी का डेथ हो जाता है ऑपरेशन करते वक्त, तो इसका मतलब जी नहीं है कि उस हॉस्पिटल मरीज नहीं जाएंगे, जो जानते हैं और जिस डॉक्टर से बाकी पर वहाँ पर तो जाएगा मरीज, सेटिस्फेक्शन है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि RCM को जो सिंगर जो मतलब आना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं लाइव देख के जो डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आप उन सिंगरों के लिए क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश भरपूर कर रहे हैं, फैल रही है, अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मोटिवेट करना चाह रहे हैं। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि उनकी सोच ये है कि हम बन गए हैं अब इन हमारी कंडीशन पर तो RCM काम कर नहीं रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसका रूल रेगुलेशन कंपनी के चलाने का अलग है, कानून कायदा कानून, तो उनके कानून पर तो हम काम करेंगे नहीं, ठीक है। तो इसको बदला लेने के लिए वो पब्लिक के बीच में जाना चाहते हैं कि हम पब्लिक, मैं बताना चाहता हूँ वो तो बन गए, इनको तो कंपनी ने बना दिया, आने वाले जो बच्चे हैं सिंगर जो आते हैं उनके भविष्य पर ये रोक लगा रहे हैं। तो सर लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे शशि लाल यादव को, क्या मतलब आप कोई सजेशन देना चाहेंगे? आप सजेशन देखिए मैं हकीकत बात बताऊं तो शशि लाल यादव जी से खिचड़ी जो होता है ना हमारा जी, खिचड़ी के दिन मैंने घर पर खिचड़ी और उसका ये सब जो होता है दही चूरा का वो किया था, अपने दोस्तों को बुलाया था, तो मैंने भी फोन किया था, वो आने को तैयार था। उस दिन के बाद से आज तो मेरी कभी बात ही नहीं हुई है, पहली बात जी। दूसरी बात कि ये अफवाहों में मेरा नाम ले रहे हैं, कल इनके दो लड़के आए थे मेरे पास, ठीक है, तो पूछ रहे थे क्या चल रहा है, यानी कि इंक्वायरी लेने के लिए चल रहे कि हम लोग कुछ गलत सोच रहे हैं या करने वाले। तो देखिए हमें काम से फुर्सत नहीं, हम तो अपना काम करेंगे, उनके पास काम नहीं है तो वो लाइव आके अफवाहें फैलाएंगे, यही कर सकते हैं। तो हम उनके आज तक आपने देखा भी नहीं है कि मैंने इतने सारे विवादों पर कभी कभी लाइव आया हूँ या कुछ बोला है जी। ऐसा हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, बस उनका काम है वो करें, हमारा काम जो है हम कर रहे हैं। बाकी फाइनल डिसीजन जब इतनी सारी हरकतें होगी तो कोर्ट में फैसला है, कोर्ट जो फैसला करेगा हम एक्सेप्ट करेंगे। और दूसरी बात जो इल्ज़ाम हम लोगों पर लग रहा है कि हमने मारने की कोशिश की, तो मैं यही पब्लिक को बताना चाहूँगा कि एक आप RCM म्यूजिक कंपनी को देख रहे हैं अपनी आंखों से, आप रिपोर्टर हैं, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कंपनी कितनी बढ़िया है, कितना काम धाम है, और एक कंपनी का ऑनर पर्सनली किसी के पास जाएगा नहीं मारने के लिए या ऐसी ओछी हरकत नहीं करेगा। और हम लोगों के पास जिम्मेदारियाँ हैं तो हम अपनी जिम्मेदारियाँ छोड़ के उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे कि हाँ भाई इसको मारा जाए, इसको पीटा जाए, फलाने देते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैच्योर है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है और हम लोग काम कर रहे हैं, मार्केट जो भी है तो हम लोग काम पर अपने फोकस कर रहे हैं, ना कि ऐसी छोटी छोटी विवादों पर कर रहे हैं, क्योंकि इससे होने जाने वाला कुछ नहीं है। दूसरी बात कि पब्लिक देखिए, पब्लिक जिनको वो बता रहे हैं तो पब्लिक उनकी एक्टिंग से एंटरटेन हो रही है, कई नए चैनल स्टैब्लिश हो गए न्यूज के माध्यम से, ठीक है, तो वो एक्टिंग कर रहे हैं तो अपना हुनर दिखा रहे हैं। तो मैं पब्लिक से यही कहूँगा कि आप लोग सिर्फ तमाशा देखिए, मजे लीजिए, क्योंकि कल को हो सकता है कि अपने पैर पर तो कुल्हाड़ी मारी चुके हैं।
हम क्या मान के चलिए आज मेरी कंपनी के साथ वो ऐसा कर रहे हैं, जिस कंपनी में वो गाना भेज रहे हैं, जिस कंपनी से वो उम्मीद लगा रहे हैं कि वो उनको बढ़ाएगा, वो पैसा देगा, ऐसा करेगा, कल को उनसे बात भी बात हो जाएगी तो कल उनकी भी माँ बहन करेंगे जी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब वो जो आरसीएम के साथ ऐसा कर सकता है तो बंदा दूसरे के साथ भी है। तो मैं कंपनी से यही कहूंगा कि देखिए जाहिर सी बात है अगर उनको आपको गाना चाहिए या गाना आप लोग गवाना चाहते हैं तो गवाइए, कोर्ट का फैसला आने के बाद जब तक फाउंडेशन है तब तक तो आप उनको ना छेड़ें, क्योंकि देखिए इतनी सारी अफवाहें फैली है, विवाद फैला है, तो जाहिर सी बात है कि हम भी थोड़ा सा हर्ट हैं। तो उनसे यही कहूंगा कि मार्केट में हैं हम लोग सब हैं, कि आप लोग फालतू के प्रलोभन या ये सब देखें ना कुछ करें, क्योंकि देखिए आप लोगों को बिजनेसमैन है, मेरे पास कागज है और कानून कोर्ट जो है कागज के हिसाब से चलता है, भावनात्मक होकर तो कोई काम होता नहीं है, तो इमोशनल ना है, भावनात्मक ना है। और इनको मैं सजेशन ये देना चाहूँगा कि शांत रहें, आपका जो भी कंडीशन है जो भी है तो आप सामने आके टेबल पर बात करें, इस तरह से सोशल मीडिया पर आके ड्रामा करने से आपका नुकसान तो हो रहा है, फायदा भी पब्लिक का हो रहा है, क्योंकि पब्लिक तो आपके ड्रामे से इंटरटेन हो रही है, मजे ले रही है, ठीक है। दूसरी बात, कई चैनल लोग एस्टेब्लिश हो रहे हैं, ठीक है। और तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि आपके ड्रामे के कारण आप ही का नुकसान हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप भी हो, आप किसी के लिए करोगे तो कुछ उल्टा सीधा कहेगा तो आप भी कहीं ना कहीं, मैं मतलब एज ए मैं आप रिक्वेस्ट कर देता हूँ ससीलाल जी से कि वो आके जितने भी विवाद चल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आप आके आरसीएम ऑफिस में आके सॉर्ट आउट करो, यार आपको भी गाने की चीज़ है, आप भी गाओ और आरसीएम से सॉर्ट आउट करो, इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का तो चलता ही रहता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मीडिया है और पब्लिक को बताना चाहूँगा, अफवाहें तो उड़ती है, जब आदमी आगे बढ़ने लगता है या कुछ कंडीशन होते हैं तो जाहिर सी बात हम नहीं हैं, बहुत सारे स्टार लोगों की अफवाहें आती हैं, बहुत सारे मीडिया में हल्ला हो जाता है, अगर ये सब नहीं चलेगा तो पब्लिक इंटरटेन भी नहीं होगा, तो टोटल मिला के मैं कहना चाहूँगा पब्लिक का इंटरटेनमेंट है, मजे लीजिए। कहीं ना कहीं ये सारी गपशप एंटरटेनमेंट है। और मैं ससीलाल जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप आरसीएम ऑफिस में जाएं और इस तरीके के विवाद को सॉर्ट आउट करें, क्योंकि राजमंगल जी ने खुद कहा है कि वो ऑफिस आएं और इस विवाद को ख़त्म करें, और कहीं ना कहीं आप भी नया सेटअप तैयार करें और अच्छी तरीके से गाने गाएं और हमें भी अच्छे अच्छे गाने और सुनाएं। तो मुझे लगता है कि सर ये मैसेज उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हुआ, बाकी पब्लिक है, और मैं पब्लिक से इतना कहना चाहूँगा कि आप एक तरफा बात ना सुने, ठीक है। आप लाइव में उनको देख रहे हैं, हम लोग लाइव नहीं आ रहे हैं, ठीक है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, तो आप एक तरफा बातें ना सुने। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है या आप उनके फैन हैं तो आपके उनके फैन को भी हर्ट नहीं करना चाहूँगा, आप दोनों तरफ की बात सुने। फैसला अगर आपको लेना, अगर आप फैसले जज बनते हैं या सरपंच बनते हैं तो तबा क्या कहते हैं, रोटी एक हाथ से नहीं पड़ती है, फैसला एक तरफ हाथ सुन के फैसला नहीं किया जाता, फाइनली दोनों तरफ की बातें सुने, दोनों का सबूत देखें, जो आपको फिर सही लगता है उसका साथ दें। तो इसीलिए तो हमने डायरेक्ट राजमंगल सर से जानना चाहा कि फाइनली ये हो क्या रहा है, तो लगता है कि सारे सवाल के जवाब हमें मिल चुके हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे भी मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए कंपनी की बात, एक सवाल जाने से पहले छोटा सा एक और मन में सवाल आया कि आपने उठाया था कि कंपनी पर असर पड़ा है कि नहीं पड़ा, तो देखिए हमारा शुरू से ही एम रहा था कि अगर हम चाहते तो उस समय बहुत सारे स्टार सिंगर थे, पवन जी थे, खेसारी थे, कल्पना जी थी, है ना, किसी से भी गाना गवा गवा के पैसा देके, जो पैसा इन लोगों पर हमने इन्वेस्ट किया है उनको देके हम कंपनी स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन शुरू से ही राकेश सर का एम था कि जो कलाकारी गरीब बच्चों में है, हुनर में जो पैसे के कारण पीछे बिछड़े हुए हैं, नहीं आगे बढ़ सकते, उनको उठा के आगे ले आके एक मंजिल मुकाम दिया जाए जिससे हम भी कमाएं, उनका भी परिवार चले, ठीक है। तो यही मकसद था और आज भी हमारा यही मकसद है। सर जाते जाते आप एक आरसीएम की तरफ से अपील, आरसीएम की तरफ से अपील यही है कि ऑडियंस है कि ऑडियंस आप लोग सिर्फ अपना प्यार दुलार आशीर्वाद जो चाहते हैं वो बनाए रखें, और जो भी आप लोगों को अफवाहें मिली, देखिए कंपनी में एक नहीं बहुत सारे सिंगर हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, दो लोगों की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम वो हमसे आके क्लियर करें, क्लियर सामने आके नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर वो कर रहे हैं जो भी उनकी विवादें हैं, तो सामने आके एक बार बैठेंगे नहीं तो बातचीत होगी नहीं। और ऑडियंस यही है कि बस एक तरफ ध्यान ना देके दूसरी तरफ दोनों तरफ की बातें सुने और फिर फैसला करें कि एक इंसान जिसको मतलब खाने के क्या बोलूं, मतलब कि जो दर दर भटकता था कि यहाँ कोई पैसा लगे, कब तक इंसान एक सिंगर जो सिंगर भाई लोग हैं वो सुन रहे हैं कि आप लोग 7,000-8,000 दे के एक ऑडियो वीडियो बनवाते हैं, महीने में गाना गाते हैं, लेकिन अगर आप पर महीने में 30 गाने गवाए जा रहे तो इतना कितना भी बड़ा घर का लड़का हो। सर मैं एक मिनट टोकना चाहूँ, सर यदि आप सारे सिंगर ये सुन रहे हैं तो आप जरूर ध्यान से सुने, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए 30 गाना महीने में प्रोजेक्ट करना बहुत ही भारी बात है, और ऐसा कोई हर कोई कंपनी नहीं करता, लगातार अपने पैसे लगा के किसी भी सिंगर को 30 गाने महीने में गवाना, ये बहुत ही बड़ी बात है।
दुनिया की बड़ी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां जो बाउंड सिंगरों को अपने महीने में 4 गाना न्यू ट्रैक पर देती हैं, चार से ज्यादा नहीं देते। लेकिन अगर हम 30 गाना करा रहे हैं तो आपको रोज लगातार पब्लिक के बीच में दे रहे हैं। अगर हम दे रहे हैं तभी तो पब्लिक आपको जान रही है, पहचान रही है, अगर नहीं देते तो कहाँ से। और मान के चलिए कि 30 गाने का, एक गाने का 6,000-7,000 रुपये आपका लग रहा है, तो महीने में 1.5-2 लाख रुपये आपका खर्चा हो रहा है, और साल के हिसाब से देखा जाए तो 22-25 लाख के आसपास आपके ऊपर खर्चा हो रहा है। उसके बाद भी आपको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जो हम आपसे कमा रहे हैं थोड़ा बहुत तो आपको भी दे रहे हैं, कंपनी के स्टाफ है, कंपनी के खर्चे हैं, सोशल नेटवर्किंग दुनिया में भी खर्च होता है जिससे वो लोग प्रमोट होते हैं। बिल्कुल। उसमें से जो इंसान पैसा लगा रहा है वो भी थोड़ा सा चाहेगा कमाऊंगा तभी तो मैं लगाऊंगा, तो कमाएंगे नहीं तो लगाएंगे कहाँ से। तो कहीं ना कहीं अब इनको उठा दिया गया है, तो कहते हैं ना कि थोड़ा सा चींटी का वो पर निकल जाता तो सब कुछ भूल जाता। तो एक कहते हैं कि खानदानी जो अमीर होते हैं उनके बच्चे पैसे की वैल्यू नहीं समझ पाते हैं। तो इन लोगों को कहाँ शुरू से जब पैसा लगने लगा है, शुरू से स्टार बनने लगे हैं, तो कहाँ समझेंगे कौन इंसान कितना मेहनत करके आपको बना रहा है। आज बनाने के बाद ये नतीजा निकल रहा है कि माँ बहन हो रही है। तो एक छोटा सा मैसेज मैं भी देना चाहूँगा सिंगर्स लोग के लिए, आप लोग समझदार हैं, अगर जिस मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लग रही हों, तो जो इंसान आपके लिए इतना करता है अगर उसकी माँ बहन किया जाए बनने के बाद, तो क्या आने वाले पीढ़ी को या आने वाले सिंगरों को या लोगों पर कोई इतना मेहनत करेगा? कोई, मैं चाहता हूँ कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करता, बाकी कंपनी प्रोफेशनल है जो 4 गाने कराती है वही सही है। और हम भी सोच रहे हैं कि अगर ऐसा चलता रहा तो हम भी बड़े सिंगर को गवाएंगे पैसा, जो पैसे इन पर लगाना है वो उसको देंगे और देकर गवाएंगे।